नॉट वांट टू से नो टू बिग बॉस. पता नहीं कब लोगों में ये अक्ल आएगी कि आपको जानवरों को जो ऐसी हरकतें करते हैं ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए. अब टाइम नहीं मिलता है, यू नो, जब 3 साल पंड्या स्टोर करने के बाद एक जो ब्रेक आया उस टाइम पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई प्लान माय डे, हाउ डू आई प्लान माय थिंग्स. एंड यू नो, वो ब्रेक समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज यू आर सो यूज टू वर्किंग 25 डेज अ मंथ, 14 आवर्स अ डे, दैट फिर धीरे धीरे करके पटरी पर आई, लाइन पर आई जिंदगी. स्केड्यूल बन गया, वर्कआउट करना, ये करना, वो करना. सो इट वॉज नाइस काइंड ऑफ, बट या आई डू मिस एवरी बिट ऑफ दैट शो. खतरों के खिलाड़ी तो मैं कर चुकी हूँ. मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था. आई वुड नॉट वांट टू से नो टू बिग बॉस बिकॉज आई मे बी राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम, बट आई ऑलवेज बिलीव नेवर से नेवर. सो पता नहीं शायद फ्यूचर में वॉट इज देयर इन स्टोर, बट आई वुड लव टू डू अ डांस रियलिटी शो एक्चुअली. क्या वो पकड़े गए आदमी? नहीं पकड़े गए. तो वीडियो निकलवा के उनके पीछे पटाखे लगा दो खूब सारे. जो ऐसी हरकतें करते हैं ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए. उन्होंने जो काम किया है उसके साथ उसके लिए उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. यू कैन अब्यूज एनिमल्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज वो बेजुबा जानवर है, वो बोल नहीं सकता है. उसका मतलब ये नहीं है. मतलब पता नहीं कब लोगों में ये अक्ल आएगी कि आपको जानवरों को एक दे आर ऑल्सो यू आई मीन उनमें भी जान है. उनको पत्थर मारोगे उनको भी चोट लगेगी, तुम्हें पत्थर मारेंगे तो तुम्हें भी चोट लगेगी ना. डर तो दोनों को ही होगा. सो जस्ट बी काइंड या गाइस, जस्ट बी वेरी काइंड बिकॉज काइंडनेस इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव इन लाइफ राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑल्सो. सो जस्ट बी काइंड. अपने ऑडियंस को क्या गुड विशेस दिवाली के देना चाहिए? हैप्पी दिवाली गाइज, जस्ट बी वेरी सेफ, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए और प्लीज़ 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 पटाखे मत फोड़िए. वैसे भी बहुत पोल्यूशन हो रखा है. हमारी बॉम्बे की एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट है, लाइक इट शोज इन फोन, वर्स्ट एयर क्वालिटी. सो प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ मदर नेचर एंड हैव द बेस्ट एंड द सेफेस्ट दिवाली. थैंक यू.